हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग किलिंग ग्राउंड। कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिसमें लड़की का नाम यान है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सैम है, जो न्यू ईयर की पार्टी रोमांटिक तरीके से सेलिब्रेट करने जा रही हैं। रास्ते में वो एक होटल पर कुछ बियर्स की बोतल खरीदने कार को रोकते हैं। जब सैम कार से उतरती है तब उस पर पास में ही खड़े एक ट्रक में से एक डॉग उस पर भौंकने लगता है, जिससे सैम डर जाती है। यान को भी मैप में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो पास में खड़े उस ट्रक के मालिक जर्मन को बाहर से आता हुआ देख उसके पास एक वाटरफॉल का रास्ता पूछता है जहां पर वो कैंपिंग कर सके, जिस पर जर्मन उसको वाटरफॉल की तरफ जाने के बजाय उसे स्टोन क्रीक नाम की एक जगह का रास्ता बता देता है, जो उसके हिसाब से कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह है। यान और सैम दोनों बार से निकल जाते हैं। रास्ते में यान नोटिस करता है कि जर्मन उसके ट्रक से उनका पीछा कर रहा होता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी कार का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। यान देखता है कि जर्मन उनसे आगे निकल गया है, मतलब वो फालतू में ये सब सोच रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर एक कार लावारिस तरीके से खड़ी हुई है। दोनों उस कार को इग्नोर कर थोड़ा आगे जाकर अपना कैंप लगा लेते हैं। साथ में वो ये भी देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक और कैंप लगा हुआ है, जिससे इनको लगता है कि उस कैंप के लोग कहीं आसपास घूमने गए होंगे और वो जल्द ही आ भी जाएंगे। इसीलिए अब अपना टेंट लगाने के बाद यान बॉनफायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकल जाता है, जहां उसको 2-3 साल के बच्चे की टोपी भी मिलती है। उसको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसको इग्नोर कर अपने टेंट पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर जर्मन और उसका भाई चुक एक लड़की को गलत नजरों से घूर रहे होते हैं। दोनों एक बार में जाकर कुछ लड़कियों के साथ अपने 31st नाइट एंजॉय कर रहे होते हैं। जब जर्मन एक लड़की से बात कर रहा होता है, तभी चुक एक फोन से उसकी चुपके से फोटो खींच लेता है। उसे ऐसा करते हुए जर्मन देख लेता है, जिसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब दोनों वॉशरूम जाते हैं तब जर्मन चूक से फोन लेता है जिसमें उसकी फोटो थी, इसीलिए वो उसको जमीन पर जोर से पटक कर तोड़ देता है और उससे कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, क्योंकि इसी वजह से वो पिछली बार बहुत साल तक जेल में रहा है। अब जैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन खत्म होने के बाद नया साल शुरू होता है, वैसे ही चूक एक लड़की को जबरदस्ती किस करने लगता है, जिससे वो लड़की उसको गाली देकर चली जाती है। उधर जंगलों में रात को जब यान टॉयलेट करने अपने टेंट से बाहर निकलता है, तब उसको पास के टेंट से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो उस तरफ जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उस टेंट में पड़े खाने को कुछ सुअर मिलकर खा रहे होते हैं। उसी समय अपनी कार को चेक करने पर उसको पता चलता है कि उसकी कार का एक टायर तो पंक्चर हो गया है। अगली सुबह यान अपनी कार का टायर चेंज करने लगता है, क्योंकि आज वो लोग अपने घर वापस जा रहे होते हैं। जब सैम अपना सामान समेटकर कार की तरफ जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि एक अनजान छोटी बच्ची सैम का दौड़ दौड़ कर पीछा करने लगती है, जिसे सैम नहीं देख पाती। पर थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद वो बच्ची दौड़ते हुए वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब सैम कुछ सामान लेने टेंट की तरफ फिर से जाती है, तब उसको वो छोटी बच्ची बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कुछ दिनों से कुछ खाया ना हो। जिस पर सैम यान को बुलाती है। यान सैम को बच्ची का इलाज करने के लिए मेडिकल किट लेने भेज देता है और उसका इलाज करके सैम और यान दोनों अपनी कार की तरफ उस छोटी बच्ची को लेकर पहुंच जाते हैं। उनकी कार खराब हो चुकी थी, इसलिए यान सोचता है कि वो पास में खड़ी कार से निकल जाए। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें चूक होता है, जो जर्मन को गॉन हंटिंग का लेटर लिखकर घर से निकला था। चूक का लेटर पढ़ते ही जर्मन भी वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसको पता था कि चूक कुछ ना कुछ गलती करके उसको फंसा देगा। उधर चूक को देखकर यान और सैम उससे मदद मांगते हैं और उससे कहते हैं कि उनको यहाँ पर एक बच्ची मिली है। उस बच्ची को देखते ही चूक थोड़ा घबरा जाता है और उनसे कहता है कि उसने इस बच्ची के परिवार वालों को स्टोन क्रीक की तरफ जाते हुए देखा था। चूक उनको बोलता है कि वो उनके साथ इस बच्ची के परिवार वालों को ढूंढने उनके साथ जाएगा। यान सैम को उस बच्ची के साथ उसकी कार में छोड़कर स्टोन क्रीक की तरफ निकल जाता है। चूक अपनी कार से गन में निकाल लेता है और यान को बताता है कि वो असल में पिग हंटर है। चूक यान को स्टोन क्रीक की तरफ ले जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचते ही दोनों को कुछ लाशें पड़ी हुई मिलती हैं, जिसको देखकर यान का दिल दहल जाता है। फिर इस मूवी में हमको 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक फैमिली जिसका नाम वॉस बेकर फैमिली है, जिसमें हस्बैंड का नाम रॉबर्ट है और उसकी वाइफ का नाम मार्गरेट होता है, जिनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से 16 साल की लड़की एमिली और 2-3 साल की छोटी बच्ची ओली, जिसको हमने सैम के पीछे भागते हुए देखा था। ये फैमिली भी सैम और यान की तरह वाटरफॉल नाम की एक जगह पर कैंपिंग करने आए हुए थे।
उसी शाम जिस दिन ये लोग यहाँ पर आए थे उस समय एमिली फोटो खींचने में लगी हुई थी, जो उसका एक शौक भी है, जबकि रॉबर्ट सबके लिए खाना बना रहा होता है जो उसको बहुत पसंद है। अब रात को ये सब खाना खाकर बॉनफायर के पास बैठे थे, तभी बातों बातों में रॉबर्ट अपने फैमिली को बताता है कि इधर पास ही में एक स्टोन क्रीक नाम की एक जगह है जहाँ कुछ लोग इधर आने वाले टूरिस्ट को बंदी बनाकर उनको लूटकर मार डालते हैं। इस न्यूज को सुनकर एमिली थोड़ा घबरा जाती है। अपनी बेटी को घबराया हुआ देखकर रॉबर्ट उसे कहता है कि वो मजाक कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद सब लोग मजे मस्ती कर सोने चले जाते हैं और अगले दिन रॉबर्ट और मार्गरेट ऑली को साथ लेकर पास में ही ट्रैकिंग करने निकल जाते हैं। जाने से पहले सब लोग साथ मिलकर पूरी फैमिली की कुछ फोटोज भी खींचते हैं। एमिली उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसको ट्रैकिंग करना पसंद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब एमिली अपना फोन चला रही होती है तभी उसको पीछे की झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे डर के एमिली अपनी कार में जाकर सो जाती है। कुछ समय बाद ही वहाँ पर एक ट्रक में दो लोग पहुँचते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जर्मन और चूकी होते हैं। उनके साथ एक पिंजरे में उनका खतरनाक डॉग बेंजो भी होता है। चूक अपने ट्रक से बाहर निकलकर सामने वाली कार को चेक करने लगता है जिसमें एमिली होती है, जो उसको दिख जाती है। जर्मन और चूक दोनों उस लड़की को अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं, जिस पर जर्मन चूक को उस लड़की के साथ कुछ गलत करने को बोलता है, जिस पर चूक जर्मन को सावधान करता है कि तुम पहले ही इस चक्कर में जेल भी जा चुके हो। जर्मन एमिली के टेंट में जाकर भी चेक करता है पर उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन चूक से एमिली को देखकर रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो कार की खिड़की में नॉक करके उसको जगा रहा था। चूक को देखते ही एमिली डर जाती है, वो उसे कार से बाहर आने को कहता है, लेकिन एमिली उसकी अजीब सी हरकतों को देखते हुए उसको मना कर देती है। चूक जबरदस्ती उसको बाहर आने को बोलता है और उससे परेशान होकर एमिली कार का हॉर्न बजाने लगती है, जिससे रॉबर्ट, मार्गरेट और जर्मन तीनों कार के पास जाने लगते हैं। जर्मन जल्दी से आता है और एक गन की नोक पर एमिली को बाहर निकलवा लेता है। तभी अपनी बेटी को बचाने रॉबर्ट वहां पर आ जाता है, जिसे जर्मन एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। उधर मार्गरेट ऑली को सेफ रखने के लिए उसको टेंट में छोड़कर कार की ओर निकल जाती है। मार्गरेट दौड़ते हुए चूक पर झपट्टा मारती है, लेकिन चूक तो मार्गरेट से काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उसको आसानी से पकड़ लेता है। एमिली जंगल में भागने लगती है, लेकिन जर्मन उसको फिर से बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। जर्मन और चूक फैमिली के तीनों लोगों को स्टोन क्रीक पर ले जाकर बांध देते हैं और रॉबर्ट के सामने ही दोनों मिलकर उसकी बच्ची और उसकी बीवी का रेप कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चूक एमिली का फोन लेकर उसको चेक कर रहा होता है। ये वही फोन होता है जिससे चूक न्यू ईयर वाले दिन बार में जर्मन की फोटो खींच रहा था। चूक को एमिली के फोन में उसकी फैमिली फोटो दिखती है, जिसको ध्यान से देखने पर उसको पता चलता है कि इनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। इसीलिए अब जर्मन मार्गरेट से ऑली के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती। इससे जर्मन और चूक दोनों मिलकर रॉबर्ट के सर पर एक कैन को रखकर शूटिंग गेम खेलने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट के हिलने की वजह से कैन गिर जाता है, जिससे चूक सीधे उसके सर में ही गोली मार देता है। रॉबर्ट को एमिली और मार्गरेट के सामने ही मार दिया जाता है। फिर वही गेम वो दोनों मार्गरेट के साथ भी खेलते हैं, लेकिन उसके बार बार हिलने की वजह से जर्मन उसको एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और उस पर कैन रखकर जर्मन अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन जर्मन उस पर ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। इस पर चूक उसको चिढ़ाने लगता है, वो कहता है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है इसलिए तुम्हें चश्मा लगा लेना चाहिए, जिससे गुस्से में आकर जर्मन मार्गरेट की छाती पर गोली मार देता है और साथ में वो एमिली को भी उसके सर में गोली मारकर मार डालता है। अब तीनों मार के वो दोनों मिलकर उनके टेंट के पास ऑली को ढूंढने पहुंचते हैं, लेकिन वो उनको वहां पर नहीं मिलती क्योंकि ऑली तो अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। ऑली के नहीं मिलने पर ये दोनों भी अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां चूक इयान के साथ नाटक करते हुए इयान को स्टोन क्रीक पर ले जाता है, जहां उसने जर्मन के साथ मिलकर ऑली की फैमिली को भी मार डाला था। जब चूक वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां मार्गरेट की बॉडी नहीं है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि मार्गरेट जिंदा है, जिससे वो पकड़ा जा सकता है। आसपास ढूंढने पर उसको मार्गरेट मिल जाती है, जो जिंदा है। इयान मार्गरेट की मदद कर ही रहा होता है, उसे फिर से गोली मारकर मार्गरेट को मार डालता है, जिस पर इयान डर जाता है और उससे कहता है कि मतलब तुमने ही इन सबको मारा है और अब तो तुम मुझको भी मार डालोगे। इस पर चूक उससे कहता है कि हाँ, इनको मैंने और मेरे भाई ने मिलकर मारा है
और अब हम तुमको भी मारेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले तो हम तुम्हें तड़पाएंगे, फिर तुम्हें बांधकर तुम्हारे सामने ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रेप करेंगे, फिर उसे मार के हम तुमको मार देंगे। इतना कहते ही चूक उसको गन पॉइंट पे उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए एयान चूक को धक्का देकर वहां से भाग जाता है, जिससे चूक गोली चलाते हुए उसका पीछा करने लगता है। उधर सैम ओली के साथ होती है, तभी वहां गुस्से में जर्मन आ जाता है, जिसको देखकर सैम ओली को लेकर कार में चली जाती है, लेकिन जर्मन कार का कांच फोड़कर उसे बाहर निकालने लगता है। लेकिन पिछली रात सैम को एयान ने एक नाइफ दिया था, जिसकी मदद से सैम जर्मन को चोट पहुंचा देती है। उससे बचते हुए सैम ओली को लेकर स्टोन क्रीक की तरफ भागने लगती है, और उसको पकड़ने के लिए जर्मन अपने डॉग बेंजो को उसके पीछे छोड़ देता है। लेकिन सैम के पीछे भागते हुए बेंजो को रास्ते में एक पिग मिल जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और सैम को वहां से भागने का एक और मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर चूक अंधाधुंध गोली चलाते हुए गलती से जर्मन को इयान समझकर उस पर ही गोली चला देता है, जिससे जर्मन घायल होकर गिर जाता है। तभी ओली रोने लगती है, जिससे चूक को सैम का पता चल जाता है और वो उसके पीछे जाने लगता है, और थोड़ी ही दूर जाकर वो सैम को पकड़ लेता है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इयान जर्मन की गन से चूक को शूट करने वाला होता है कि तभी वो चूक को अपनी तरफ आते हुए देख पास में ही छुप जाता है। अपने भाई जर्मन को अपने सामने मरता देख चूक पागल हो जाता है, और ओली के जोर जोर से रोने की वजह से वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाता, और सैम से ओली को जबरदस्ती छुड़ाकर उसको जमीन पर पटक देता है। जर्मन को बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो चूक को उसको मारने को कहता है, जिससे उसको आसान मौत मिले, लेकिन चूक उसको रोते हुए मना कर देता है। पर जर्मन के बार बार कहने पर चूक अपने भाई को ना चाहते हुए उसे एक गोली से मार डालता है। चूक सैम को ले जाकर उसी जगह बांध देता है जहां उसने वॉस बेकर फैमिली को मारा था। वो सैम का रेप करने लगता है, तभी उसका मूड बदल जाता है और उसको अपने साथ एक गाड़ी में ले जाता है। इधर एयान जर्मन की जेब से उसकी चाबी लेकर और ओली को अकेला छोड़कर वहां से पुलिस के पास चला जाता है। एयान उसको अपनी पूरी आपबीती सुनाता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले और एयान चूक और सैम को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर सैम चूक का ध्यान भटका देती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक पेड़ से टकराने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सैम को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील से बंधे हुए थे, लेकिन चूक वहां पर नहीं था। पुलिस वालों को दूर से आता देख उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सैम कार के हेडलाइट चालू कर देती है, जिससे वो लोग उसकी कार के पास पहुंच जाते हैं। इयान कार से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसे पुलिस वाला रोक लेता है और वो खुद बाकी पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी चूक सभी पुलिस वालों को मार डालता है। चूक जोरदार फायरिंग करने लगता है, जिससे एक गोली इयान को उसके कंधे पर लग जाती है और साथ में दूसरा पुलिस वाला भी मारा जाता है। फिर चूक दोनों को गन पॉइंट पर लेकर कार में बैठ जाता है और कार सैम को चलाने को दे देता है। सैम एयान से ओली के बारे में पूछती है, जिस पर एयान उसको कहता है कि जल्दी में वो ओली को नहीं ला पाया। तभी दूसरी जगह हम देखते हैं कि जर्मन का कुत्ता बेंजो ओली के पास आ जाता है और उसका ध्यान रखने लगता है। थोड़ी देर बाद सैम कार की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे चूक को तकलीफ होने लगती है, और तभी उनकी कार तेज स्पीड के कारण पलट जाती है, जिसमें एयान बेहोश हो जाता है। जबकि चूक और सैम में बाहर निकलते ही जोरदार लड़ाई होने लगती है। मौका पाते सैम एक बड़े पत्थर को उठाकर चूक को तब तक मारती है जब तक उसकी खोपड़ी के टुकड़े नहीं हो जाते। जिसके अगले सीन में हमें सैन और इयान दोनों एक अस्पताल में दिखाए जाते हैं, जहां उनका इलाज चल रहा होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ओली के साथ क्या हुआ। दरअसल उसके साथ जर्मन का कुत्ता बेंजो मौजूद है, और जब तक कोई भी इंसान उनको ढूंढ नहीं लेता, तब तक बेंजो ही उसका ध्यान रखेगा। जर्मन और चूक दोनों साइको किलर थे, जो घूमने आए हुए टूरिस्ट को लूटते थे और लड़कों के सामने मिलकर उनकी गर्लफ्रेंड, बीवी और बेटियों का रेप करके उनको तड़पा तड़पा कर मार डालते थे। पर सबको एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल मिलता ही है। ऐसे ही एक दिन जर्मन को अपने भाई के हाथों मरना पड़ा, जो उसकी सजा थी, और सैम के हाथों पत्थरों द्वारा चूक को उसके कर्मों की सजा मिल गई। जिसके साथ आज की ये मूवी किलिंग ग्राउंड यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि किलिंग ग्राउंड की कहानी आपको पसंद आई होगी। आप हमको कमेंट करके और भी ऐसी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनमें से बेस्ट मूवीज को आपके लिए कवर कर सकूं। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।